दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स लेके। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ लिंक शेयर करना ना भूलें, उससे उनकी मदद हो जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड में है। जैसे कि मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है, लैब टेक्नीशियन, NDT, MLT, सिविल, इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारी ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसी है और असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है और सिक्योरिटी के लिए वैकेंसीज है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, फिटर और ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन, डीजल मशीन और यहाँ पे NDT ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे ऑपरेटर्स के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे और जो है CTC भी आपका बता दिया गया है, वैकेंसी कितनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं आपको। एज लिमिट सभी का देखो सामने दिया गया है, देख रहे हो आप, ये जो 4/9/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। पैकेज यहाँ पे अलग अलग है, 4.7, 4.3, 4.1 इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया जो डिजिनेशन के हिसाब से है, ठीक है। बाकी ये कुछ ये दिए जैसे सीनियर जो ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, मैकेनिकल वाले के लिए तो एक वैकेंसी है जो दोस्तों क्वालिफिकेशन में 60% मार्क है, डिप्लोमा मैकेनिकल, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टिल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटिव हो तो अच्छा। सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग पे जहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल और 60% के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ तो सीनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन के लिए 60% मार्क इन BSc केमिस्ट्री फिजिक्स या आपके पास 60% मार्क के साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेटलर्जी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए आपका, वैलिड होना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी जहाँ पर 60% मार्क्स होना चाहिए BSc में या डिप्लोमा आपको इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बता दिया किस ब्रांच से आप चलेगा। नेक्स्ट बात करूँ सीनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग जो दोस्तों आप देख रहे हो 60% मार्क्स चाहिए जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेटलर्जी और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस जो आपको बता दिया रिलेटिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए वैकेंसी जहाँ पर डिप्लोमा सिविल से चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस 60% के साथ। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर 60% चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग मेटलर्जी मैकेनिकल, 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर जो वैकेंसी है हॉट एंड कोल्ड लेबर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी 60% मार्क्स, यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेटलर्जी मैकेनिकल 4 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है जहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन में आपको बता दिया गया लाइक जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिसिन है विद सर्टिफिकेट कोर्स इन PC ऑपरेशन जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है जहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता दिया गया, जैसे ग्रेजुएशन BA या BCOM BSc चलेगा, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो रिलेटिव होना चाहिए जैसा कि हम बताया गया है। नेक्स्ट बात करूँ तो जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग फिटर कटिंग मैकेनिक के लिए वैकेंसी है जहाँ पर SSC+ ITI फिटर विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी यहाँ पर SSC ITI इलेक्ट्रिकल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है जो दोस्तों आप देख रहे हो एक्सपीरियंस आपका रिलेटिव। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग टर्नर के लिए वैकेंसी यहाँ पर SSC+ITI टर्नर 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए वैकेंसी यहाँ पर SSC+ITI फिटर 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग फिटर के लिए वैकेंसी यहाँ पर SSC+ITI फिटर 2 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज हैं ये। नेक्स्ट बात करूँ जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग डीजल मैकेनिक के लिए वैकेंसी यहाँ पर SSC+ITI डीजल मैकेनिक 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए साथ में। नेक्स्ट बात करूँ तो जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग ऑटो इलेक्ट्रीशियन जहाँ पर SSC+ITI इलेक्ट्रीशियन 2 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग NDT ऑपरेटर
यहाँ पर दोस्तों SSC प्लस ITI विद आपको बता दिया है NDT लेवल सेकेंड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात उन क्रेन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर SSC पास विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जो है दोस्तों SSC पास विद 4 ईयर एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी जो एल मैन के लिए। नेक्स्ट बात करूँ ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर SSC पास विद 4 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास, SSC प्लस ITI टेक्निकल ट्रेड विद 2 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा, मतलब वहाँ पर 4 साल का चाहिए तो यहाँ पर 2 साल का चलेगा आपके पास टेक्निकल है तो। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, SSC पास विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों रिफेक्टिव, तो यहाँ पर SSC पास विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव होना चाहिए। सिलेक्शन का तरीका क्या है मेन चीज़ है, तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया देखो क्या क्या दिए गए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15 मार्क्स, एक्सपीरियंस 15 मार्क्स, रिटन टेस्ट तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कितना स्कोर, ट्रेड टेस्ट यहाँ बता दिया, पास फेल टोटल इस तरीके से दोस्तों 100 मार्क्स होंगे, पूरा तरीका आपको बता दिया गया है ठीक है। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ना और अच्छी तरीके से समझा भी गया बाद में, तो आप अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे जनरल कंडीशन दी गई हैं, आप इंडियन होने चाहिए, आपका जो कट ऑफ डेट है वो 4/9/2021 है, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो है जो 4/9/2021 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, जो छूट दी गई हैं वो बता दी गई हैं यहाँ पे दोस्तों, लास्ट डेट 18/9/2021 है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप खुद से देख लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जैसे यहाँ पे आपका रेगुलर होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन अप्लाई कैसे करें फाइनली, तो आपको अप्लाई करने के लिए www.midhani-india.in पर जाना रहेगा, उसके करियर ऑप्शन उसके बाद ई रिक्रूटमेंट, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ पे आप इसे 4/9/2021 से शाम को 5 बजे से भर सकते हैं और 18/9/2021 तक भर सकते हैं सर ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे भर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट नीड नॉट सेंड दी हार्ड कॉपी, सीधा लिख दिया उन्होंने, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर भील में, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो कुछ इस तरीके से दी गई हैं, यहाँ पर फाइनली सुपरवाइज़र और इंजीनियर के लिए वैकेंसी दोनों की दोनों सिविल के लिए, लेकिन इंजीनियर के लिए 7 और सुपरवाइज़र के लिए 15 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 22 वैकेंसीज हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया इंजीनियर के लिए सिविल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो बात कर ले तो फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल से होना चाहिए, या 5 ईयर यहाँ पर बता दिया गया है, तो मास्टर डिग्री या आपके पास ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग कैसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, 60% के साथ होना चाहिए जनरल OBC EWS के लिए, 50% चलेगा SC ST के लिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बता देगा 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस रिलेटिव भी बता दिया गया, पूरी चीज़ यहाँ पर समझाई गई आपको। अगर आपको एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर है तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, सीधा यहाँ पर लिख दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ सुपरवाइज़र सिविल के लिए, यहाँ फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यहाँ भी सेम है कि 60% जनरल OBC EWS के लिए और 50% ST के लिए होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस रिलेटिव किससे होना चाहिए वो बता दिया गया है, एज लिमिट यहाँ पर बता दिया 34 जो दोस्तों 1/9/2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। बाकी का जो OBC के लिए दोस्तों 3 साल का छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है, बाकी की सारी चीज़ें जो भी कैटेगरी के लिए छूट दी गई वो बता दी गई यहाँ पर ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर बता दी गई, आप खुद से देख लें ठीक है। यहाँ पर आपका पेमेंट भी बता दिया गया, जैसे सिविल के लिए 71,40 और सुपरवाइजर के लिए 39,670 ठीक है, पूरा यहाँ पर बता दिया गया आपको। सेलेक्शन का तरीका क्या है, तो सेलेक्शन का तरीका यहाँ पर जो दोस्तों आप देखने को मिल रहा है वो पर्सनल इंटरव्यू, तो यहाँ पर रेशियो अप टू 1:10 रखा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ लें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं कि किस रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पर पैसा आपका फ़ी भी लगने वाला है जो दोस्तों 200 समथिंग लगेगा ठीक है,
और यहाँ पे चालान, यहाँ पूरा लिंक वगैरह सब कुछ दिया गया है, अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है तो आपको जाना रहेगा carwers.bhcl.in पे, वहाँ जाके आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। हार्ड कॉपी यहाँ पर भेजना, पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, तो वहाँ पे जो लिफाफा रहेगा उस पर क्या लिखना है वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट, क्या इंटरव्यू के समय पर रहेंगे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसका स्टार्टिंग डेट है 4/9/2021, लास्ट डेट है 24/9/2021, और इसका दोस्तों पूरी चीज़ें आप यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। एप्लीकेशन हार्ड कॉपी कब तक है, तो 8/10/2021 पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा दी गई हैं दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों DRDO में है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो RA के लिए, लाइफ साइंस के लिए वैकेंसी, PhD मांगा फाइनली यहाँ पर, आप देखोगे RA केमिस्ट्री, RA फार्मा, PhD सब के लिए, ठीक है। यहाँ पेमेंट भी बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आप देखोगे तो JRF केमिस्ट्री, या फर्स्ट क्लास MSc इन केमिस्ट्री विद नेट गेट JRF LS क्वालिफिकेशन फ्रॉम जो एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात है JRF लाइफ साइंस के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास MSc BTech MTech इन लाइफ साइंस बायोमेडिकल साइंस बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी विद जो नेट गेट जो सेम है वही है। नेक्स्ट बात हूँ JRF फार्मा के लिए वैकेंसी, फर्स्ट क्लास MPharma MSc इन फार्मा विद सेम पास सेम है। नेक्स्ट बात करूँ फिजिक्स JRF के लिए, तो फर्स्ट क्लास MSc इन फिजिक्स वाकई का सेम है। तो यहाँ पर आपका पेमेंट सब कुछ बता दिया, 31+ HRA पर DRDO रूल्स। नेक्स्ट बात करूँ अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पर 35 ईयर फॉर RA, 28 ईयर फॉर JRA के लिए यहाँ पर जो छूट दी गई वो बता दी गई आपको, तो उन्हें आपको खुद से पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, तो उन्हें आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, और आपको यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो दोस्तों ऑनलाइन इंटरव्यू होगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे कर रहे हैं बात आती है यहाँ पे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है www.drdo.gov.in/whats-any-w। यहाँ पे जाना रहेगा और आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और मेल आईडी दी गई जिस पर आपको भेजना रहेगा। फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एक निश्चित समय किया जाएगा और उस दिन आपका होगा, लेकिन इसके लिए लास्ट डेट 24/9/2021 शाम को 5 बजे रखा गया है, तो इसका लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे MSc BSc MPharma BPharma BE BTech ME MTech डिग्री, 3 से 15 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। वॉकिंग इंटरव्यू, पूरा स्किल बता दिया गया आपको, देख रहे होगे 12 सितंबर संडे को इंटरव्यू होने वाला है, 9 से 12 बजे तक होगा। होटल जहाँ पर होने वाला है उसका पूरा तेलंगाना का लोकेशन बताया गया यहाँ पे, यहाँ मेल आईडी भी दी गई है जिस पर आप अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं, chundi.balakrissna@bio.com। एक चीज़ है यहाँ पर, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करके जाना है, ऐसा नहीं आप पहुंच गए वहाँ पर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने वो भी यहाँ पर बता दिया गया आपको, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके ही जाएँ यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू है, QC के लिए वैकेंसी, जहाँ पर BSc BPharma MPharma 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, QA के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर MSc BPharma MPharma 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, QA डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, MSc BPharma MPharma 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करूँ IPQA के लिए वैकेंसी, जहाँ पर MSc BPharma MPharma 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर MSc BPharma MPharma 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस। ये इंटरव्यू दोस्तों 6 और 7 सितंबर 2021 को 1 से 4 बजे तक होने का है। यहाँ पर आपको अपना CV ड्रॉप करना है, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो मेल आईडी है hrnrisseintlabs.com। यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया जिस पर आपको जाना है, कॉन्टैक्ट नंबर वो कॉन्टैक्ट करके जाएँ, कॉन्टैक्ट नंबर 9121011003। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैकेंसी है QC QA R&D के लिए फ्रेशर के लिए, जो 2016 से 2021 के पास आउट हैं केमिस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MSc ऑर्गेनिक्स एनालिटिकल के लिए, बी फार्मासी के लिए वैकेंसी है,
नेक्स्ट बात करूँ TSD के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए 2016-2021 के पास आउट है, जूनियर इंजीनियर जूनियर सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी, क्वालिफिकेशन BTech BE या डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। यहाँ पे पूरा आप देख रहे होगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने, अपडेटेड रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड हैं, कॉपी एजुकेशन सर्टिफिकेट। ये दोस्तों ओनली 27 ईयर बिलो होना चाहिए। मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा, जो इमीडिएट ज्वाइन करेगा उसे प्रेफरेंस मिलेगा। मेल आईडी है venkates.b@hetrodrugs.com। यहाँ पर लोकेशन बता दिएगा जिस लोकेशन पे ये इंटरव्यू होने का है, ठीक है।